What's up guys, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम लोग अकोस्टिक वाला सीरीज चालू कर दिया है हम लोगों ने। आप देख रहे हो कि बहुत सारे हम लोग ऐसे ये कर रहे हैं जो लाइव परफॉर्मेंस रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें से आज हम लोग और ये टी सीरीज मिक्सटेप के बारे में आप लोगों ने हमको सजेस्ट भी किया था कि गाइस देखो करके, मजा आता है करके। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, मैं अगर कहूँ बोल दो ना जरा भाई, अरमान मलिक एंड जोनिता गांधी। ठीक है, तो सीधा गाने पे आते हैं। और आप ऐसे ही सजेशन देते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, तो सजेशन देने के बाद हमको पता चलेगा और प्यार देने के बाद हमको काम करने में और मजा आएगा। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। सीधा वीडियो पे आते हैं, चलो सीधा वीडियो पे आते हैं। और आप प्लीज सजेशन देते रहो और नए हो तो चैनल को शेयर भी कर देना, तो थोड़ा सा सही रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल, नए पब्लिक जुड़ जाएगी। चलो रेडी लगाओ। नाइस। अच्छा, गाना चालू होने का क्या? अरे क्या बात है, नाइस अरेंजमेंट, क्या बात है। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। बोल दो नज़रा तेरे जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगी नहीं। बोल दो नज़रा तेरे जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करूं पीले नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना, मैं मेरा तुम सहारा तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। नाइस मैन। वाओ यार, फील। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। ओ फील है। ओ भाई वीडियो, क्या बात है, वाओ, बहुत बढ़िया। ओ गैस चल रहा है भाई, गैस शिफ्टिंग चल रहा है। आपको अभी लग रहा होगा, समझाते हम लोग ऐसा, मतलब ये क्या, आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल ही चाहिए। नहीं, उसने नोट्स के साथ और स्केलिंग के साथ शिफ्ट किया इधर उधर, मस्त शिफ्टिंग चालू थी भाई साहब, मतलब बहुत बढ़िया। आपको ये बात समझती थी ना, यही एक्सप्रेशन होते थे जैसे, बहुत
अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है। हाँ जो चल रहा है पीछे बिल्कुल, बहुत अच्छे कोरस वाले हैं। हाँ अरे भाई क्या अच्छा हार्मोनी चल रहा है उनका। और वो तू हाँ ये एक लड़की जो बैठी है ना सफेद कपड़े में, हाँ वो कर रही है ऐसा, और बाकी ये कर रहे हैं बिल्कुल। तो फीमेल जो पीछे के बैकिंग वोकल्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा बड़ा शॉट आउट। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा, उनका भी बहुत अच्छा काम है। और जितने भी पर्कशनिस्ट है, गिटारिस्ट है, म्यूजिशियंस है, उनको भी बहुत अच्छा, सब कुछ सब कुछ सब सब लोगों ने गिटार से लेके सब कुछ एक नंबर बज रहा है। बिल्कुल बहुत दोनों अरमान भाई और जोनिता, वो तो मतलब इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन करके अपने सामने पेश किया है। इधर का कंपोजिशन निकाल के इधर डाल दिया, फिर यही गाने का इधर डाल दिया, और बिल्कुल इतना धचड़ पचड़ नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारा लग रहा है सुनने को, और बहुत ब्यूटीफुली अरेंज किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिक्स। ये बीट पैटर्न थोड़ा अलग है, ठीक है ना, ये 4/4 नहीं है, अलग एंड में बताऊंगा आपको अच्छे से। और चलो अभी सुनते हो बिल्कुल अच्छे से, नाइस नाइस, मजा आ रहा है, मजा आ गया। राघव सैक्सोफोनिस्ट, यस। शोखियों में डूबी अदाएं, क्या बात है, चेहरे से झांकी हुई की घनी घनी घटाएं, शान से ढकी हुई है, रूह से चाहने वाले आशिक, वाह कंपोज भी किया है, जिस्मों की करते नहीं। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई सच है कुछ भी नहीं। मैं छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। किसी से कहूंगा नहीं। ओहो भाई साहब मजबूत काम, वाव 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 वाव। म्यूजिशियंस ग्रैंड पियानो में थे गौरव भाई, हाइब्रिड ड्रम्स में थे राहुल भाई, अकॉस्टिक गिटार में थे अक्षर भाई, इलेक्ट्रिक गिटार में भाई पुष्पक भाई थे, अकॉस्टिक गिटार में अमनदीप भाई थे, डबल बेस में अभिनव भाई थे, ऑल्टो सैक्सोफोन राघव, पर्कशन में गौतम शर्मा थे, जो बैकिंग वोकल्स की बात करते हैं। यस, क्योंकि बैकिंग वोकल्स आपको अच्छा, ये सब बताने के बाद आपको एक अच्छी चीज बताने वाला, वो सुनना बिल्कुल, ठीक है। बैकिंग वोकलिस्ट थे परमिता, अपरा, अनुषा, मूर्छिका, देडिन, नेहाल, बहुत बढ़िया भाई। और बैकिंग वोकल्स अरेंज बाय आदित्य, हाँ बहुत सही बहुत मतलब सही। मतलब ये मैं ऐसा है कि अरमान भाई और जोनिता गांधी तो फ्रंट में चल ही रहे थे, हाँ। बट पीछे से जो इनका सपोर्ट था ना, बराबर बराबर, बैकिंग वोकलिस्ट, हाँ। मजा आ गया, क्योंकि हाँ। ये लोग फ्रंट में, ये तो ये लोगों की तो बात ही अलग है, बिल्कुल ना, ये इनके अरमान भाई का वो कंपोजिशन था, हाँ। उसको तो पता ही है कैसे, हाँ। हिसाब करने का है। अच्छा उसको रिकम्पोज भी किया थोड़ा सा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट नहीं वो एकदम से नीचे आ गया, बोला हाँ हाँ ये अलग मजा होता है। बट मेरे को एक बात ऐसी लग रही कि ये पहले रिकॉर्ड हुआ है, हो सकता है बाद इन्होंने वीडियो शूट किया, क्योंकि वो लग रहा था एक्चुअली, हाँ। देख के ना, क्योंकि लाइव में ना, हाँ। लाइव में बहुत सारी चीजें ऐसी मतलब बिल्कुल पता चल जाती है आपको, कितना भी आप प्रोसेस करो थोड़ा सा पता चल, तो ऐसे लग रहा था कि गाने से लेके या अरेंजमेंट से लेके सब कुछ, हाँ। पहले हुआ है, बाद में इन्होंने वीडियो शूट किया, हो सकता है हो सकता है हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं, मजा आ गया, लाइव का फील पता ही चलता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मिक्स टेप, ये मिक्स टेप का हमारा पहला एक एक्सपीरियंस है, हाँ, जो मजा आ गया हमको। तो आपको जो भी लगता है ना गाइस, कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या चाहिए हमारे मिक्स टेप से, मिक्स टेप से, एग्जैक्टली। तो हम लोग सीरीज चलाएंगे और वीडियो लाइक जरूर करना, इसमें हम लोग फिर क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे, मिक्स है कि नहीं, सरल सर। तो क्योंकि
मुझे पता है कि ओरिजिनल के साथ साथ ऐसे सुनने वाले भी बहुत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको जरूर सजेशन दे ऐसे, और ऐसे ही प्यार रखे। हाँ, वन टेक में बहुत सारी चीजें छूट जाती है क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि डिटेलिंग में जाना चाहते हैं। हाँ, पर डिटेलिंग में जाते जाते वो ऐसे चले जाते हैं 25 मिनट का वीडियो हो जाता है। तो फिर वो मतलब नॉर्मल लोगों को ये हो जाते हैं जिनको नहीं समझता। जैसे मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज देखे, बिल्कुल वो बोलते है कि गाइज आप जो बात करते हो ना उसको हमको पता नहीं, वो आप जो वर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए भी अपन अलग से बनाएंगे वीडियो। ठीक है, बस गाइज प्लीज ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और कमेंट सेक्शन में आपकी सजेशन बताया करो। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। पीस आउट।